फिर कंपटीशन का स्टार्ट करते हैं। ये शीट नंबर है 197। 197 के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर है इज एफ। सोनोमीटर वायर क्या होती है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज एफ व्हेन द वेट्स प्रोड्यूसिंग द टेंशन आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, फ्रीक्वेंसी बिकम्स एफ बाई टू। अब सोनोमीटर अगर आप ध्यान से देखें तो सोनोमीटर का मैंने ऐसे बताया था कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है और स्ट्रेच स्ट्रिंग आगे एक मास के साथ फर्दर कनेक्टेड होती है ताकि इसमें क्या आ जाए, टेंशन टी। टेंशन होगी तभी तो इसमें क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव्स। और स्ट्रेच स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12 अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू या एम, मास पर यूनिट लेंथ, ये करवाया था। तो सोनोमीटर ये डिवाइस है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सोनोमीटर ये काम करेगा। अब वो कह रहे हैं कि मास इसलिए क्योंकि यहां पर टेंशन आएगी कितनी, mg। वो कह रहे अगर इसको पानी में डाल दे मास को तो पानी क्या लगाएगा इसके ऊपर, अब थ्रस्ट, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, कम। वेट कम होने से टेंशन भी क्या हो जाएगी, कम। टेंशन पे अफेक्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम। तो यही कह रहा है कि एक बार हमने सोनोमीटर लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, जब वेट को हमने वाटर में डाल दिया तो फ्रीक्वेंसी हो गई एफ बाई टू, और जब एक लिक्विड में डाल दिया वाटर के अलावा कोई और लिक्विड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एफ बाई थ्री। तो आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है लिक्विड की। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो केस बनाते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, कोई डाउट इसमें? और टी इसमें क्या पुट करेंगे, एमजी। तो पहला तो केस क्लियर है। दूसरा केस, केस नंबर वन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है जब टेंशन वायर में कितनी है, एमजी है। पहला केस क्लियर है, कोई पानी में इमर्स नहीं किया, इसको स्क्वायरिंग करके एमजी बाई म्यू एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। केस नंबर टू, हमने इसको जब वाटर में डाला तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ बाई टू। वेट कम हो गया क्योंकि वेट में से क्या माइनस किया, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला वी रो जी, लेकिन डेंसिटी अप थ्रस्ट में किसकी, वाटर की। तो दूसरा केस भी क्लियर है। तो इसको स्क्वायरिंग करके ये टर्म एक तरफ, ये टर्म एक तरफ, और एमजी बाय म्यू एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एमजी बाय म्यू आपस में क्या हो जाए, माइनस करने से कैंसिल। फिर केस नंबर तीन, केस नंबर तीन में फ्रीक्वेंसी एफ बाई थ्री, जब उसको किसमें डाला, लिक्विड में। तो लिक्विड क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट। वी रो जी में डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। केस नंबर थ्री, इसको स्क्वेयरिंग करके ये निकाल लिया, फिर इक्वेशन नंबर वन और टू को माइनस किया ताकि एमजी बाई म्यू कैंसिल हो जाए, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर वन और थ्री को भी माइनस किया ताकि एमजी बाई म्यू इसका भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये दो नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव। फोर और फाइव को अगर डिवाइड कर लें सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा जो कि रिलेटिव डेंसिटी है। तो थोड़ा सा लेवल में चेंज फील हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नॉर्मल से, अब नॉर्मल में एक केस आता है, इसमें तीन केस है और थोड़ी सी कैलकुलेशन वाइज भी ये ज्यादा है। बट आइडिया क्लियर है कि कैसे इसको आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैसे टेंशन चेंज होती है अपथ्रस्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोनोमीटर वायर मतलब स्ट्रेच स्ट्रिंग है अंडर टेंशन ऑफ 64 न्यूटन, उसमें टेंशन 64 न्यूटन है, वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड इज इन रेजोनेंस विद वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, यानी कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करवाया, उसकी वाइब्रेशन ने स्टैंडिंग वेव जनरेट करवा दी स्ट्रेच स्ट्रिंग में, जब टेंशन कितनी है 64 है। रेजोनेंस का मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है, इसकी ट्यूनिंग फोक की और स्ट्रेच स्ट्रिंग की, और कौन सा मोड है इसमें फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो पहली तीन लाइनें क्लियर है। The vibrating portion of sonometer has a length of 10 centimeter and mass 1 gram. तो जिसमें standing wave बन रही है उसकी length और mass given है, तो यहां से mass per unit length can be calculated. The vibrating tuning fork is moved away from the vibrating wire. कह रहा tune, ये पहले pass था tuning fork, standing wave बनी हुई थी, tuning fork को आप पीछे ले गए, भी तो constant speed and an observer standing near sonometer hears 1 beat per second. तो sonometer के पास एक observer था, क्योंकि ट्यूनिंग फोक दूर जा रहा है, ट्यूनिंग फोक दूर जाने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम, जितना दूर जाएगा फ्रीक्वेंसी कम, तो कितने का फर्क आ गया 1 बीट का फर्क आ गया, फ्रीक्वेंसी 1 से कम हो गई। तो आपको ये बताना है फाइंड स्पीड जिससे कि ट्यूनिंग फोक मूव कर रहे हैं, ठीक, और साउंड की स्पीड आपको गिवन है। एक काम करते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। जब ट्यूनिंग फोक सोनोमीटर के पास था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, तो इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, एल म्यू का मतलब क्या है मास पर यूनिट लेंथ, इस एल को इसके अंदर ले जाओ, एल का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएंगे, एल का स्क्वायर और एल कैंसिल तो एल हो जाएगा, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। रीअरेंज किया थोड़ा सा, क्योंकि आपको टेंशन पता है, आपको मास पता है, आपको लेंथ पता है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई 400। यानी कि जब ट्यूनिंग फोक सोनोमीटर के पास था तो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल थी 400, तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी भी कितनी थी 400, ठीक हो गया रेजोनेंस से। अब वो कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, लेकिन जब आप ट्यूनिंग फोक को दूर लेके जा रहे हैं मूविंग अवे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी, नंबर ऑफ बीट्स कितनी है 1, तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 400 है तो अब फ्रीक्वेंसी या तो 401 होगी या 399 होगी, पर क्योंकि मैंने कहा फ्रीक्वेंसी कम होगी तो 401 तो हो नहीं सकती, 401 तो हो नहीं सकती, कितनी होगी 399, क्लियर है। तो ट्यूनिंग फोक दूर जा रहा है, ट्यूनिंग फोक सोर्स है जो सोर्स जनरेट साउंड जनरेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 399 जो सुन रही है। अब डॉपलर क्या कहता है कि जब सोर्स दूर जा रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी 400, अब कितनी सुनाई दे रही है 399, साउंड की स्पीड आपको 300 पता है, सोर्स की स्पीड आ जाएगी, और सोर्स इसमें कौन है ट्यूनिंग फोक, तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी ही निकालनी थी आंसर। डॉपलर इफेक्ट का नाम नहीं लिया बिल्कुल भी, बट क्वेश्चन किसका था डॉपलर का। पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है इसमें, इस क्वेश्चन देखो एक चीज समझो, हमने जितना भी डॉपलर इफेक्ट किया उसके अंदर हमने ये माना कि जो सोर्स मूव करेगा या ऑब्जर्वर मूव करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, चाहे सोर्स मूव करता है चाहे ऑब्जर्वर। लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं कि सोर्स और ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे, एक्सेलरेट भी तो कर सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, एक सोर्स
जो है वो 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालता है। मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रेस्ट पे हूं। अगर वो 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल निकालता है और वो मेरी तरफ आ रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। मान लो मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की और 610 आंसर आ गया। अब क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसीलिए 610 का 610 ही रहेगा आंसर, क्योंकि स्पीड में तो कोई चेंज है ही नहीं। लेकिन अगर स्पीड चेंज हो तो सुनने वाली फ्रीक्वेंसी भी कॉन्टिन्यूसली क्या होगी, चेंज। ठीक है यहां तक? तो इसका मतलब कि जो हमने फॉर्मूलास किए उसके अंदर अगर मैं कोई भी फॉर्मूला लगाता हूं, जैसे मान लो ऑब्जर्वर पास आ रहा है ये लगा लेते हैं, तो अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये लगता है, ये रहा। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये भी कांस्टेंट आएगा, पर अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसकी, और अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो न्यू डैश भी इंक्रीज होगा। ठीक है यहां तक? तो वो ये कह रहा है कि इस केस में अ सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो मैं आपसे क्वेश्चन एक और पूछता हूं इससे पहले कि अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होगी, पर इंक्रीज होके क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, 600 की जगह 610। तो ग्राफ फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ क्या बनेगा, ये 600 है, ये पहले था लेकिन अब क्या बनेगा, 610। थोड़ा सा ऊपर ग्राफ बन जाएगा लेकिन रहेगा हमेशा क्या, कांस्टेंट। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया, ये तो तब था अगर सोर्स की या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसने क्या कह रहे, सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है इज स्टेशनरी, सोर्स तो खड़ा है स्टेशनरी और साउंड की फ्रीक्वेंसी एफ निकाल रहा है। ऑब्जर्वर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है विद अ स्मॉल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करता है, वेलोसिटी बढ़ाता है, सुनने वाला सोर्स की तरफ जाता है लेकिन स्पीड इंक्रीज करता हुआ। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करो। तो सोर्स इस पे रेस्ट पे है, सुनने वाला ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी नहीं, तो v = u + at, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो v ऑब्जर्वर क्या होगा, at। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v प्लस ऑब्जर्वर की स्पीड u नॉट की जगह या v नॉट की जगह at। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो v की जगह यहां पर क्या आएगा, at, अदरवाइज यहां पर v नॉट आता, कांस्टेंट होता, तो इसमें at। अब टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करना है तो v से v कैंसिल, मतलब 1 हो गया और at / v, ओपन करते हैं इस पूरे ब्रैकेट को, क्योंकि ग्राफ फ्रीक्वेंसी का, नई फ्रीक्वेंसी का एंड टाइम का बनाना है। तो नॉन मेडिकल के लोग करते हैं y is equal to mx plus c, मेडिकल के लोग देख लें y एक्सिस में क्या चल रहा है, फ्रीक्वेंसी, x एक्सिस में क्या चल रहा है, टाइम, और ये बन जाएगा y is equal to, ये स्लोप बन जाएगी mx plus c। तो ग्राफ पैराबोला बिल्कुल नहीं आएगा, ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका कोई पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, a आएगा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा और कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव स्लोप नहीं है, पॉजिटिव स्लोप है, तो ग्राफ ऊपर जाता नजर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज पढ़ लें।
stationary source is emitting sound at a fixed frequency of f naught. तो एक स्टेशनरी सोर्स है, सोर्स फ्रीक्वेंसी कितनी निकाल रहा है, f naught, which is reflected by two cars. ये सोर्स है और ये उसने आवाज निकाली साउंड, सामने दो कार्स आ रही हैं, दो गाड़ियों पे ये साउंड टकराती है, टकरा के वापस आती है, पहले एक गाड़ी से फिर दूसरी गाड़ी से. ठीक. द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू कार्स इज 1.2% ऑफ एफ नॉट. तो एक कार से देखो साउंड गई एफ नॉट के साथ, एक कार से टकरा के फ्रीक्वेंसी एफ वन और दूसरी कार से टकरा के फ्रीक्वेंसी एफ टू. चेंज क्यों हुई फ्रीक्वेंसी, जबकि चली तो एफ नॉट से थी, क्योंकि दोनों कार्स की स्पीड डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली, एक तेज चल रही होगी और एक स्लो, इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई. कह रहे डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.2% ऑफ एफ नॉट है. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्पीड इन कार, मतलब स्पीड का डिफरेंस निकालो कार्स का क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, ये क्वेश्चन है. अब प्रॉब्लम ये है कि दो कार्स आमने सामने आती हैं, हमें फॉर्मूला पता है, सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर चल रहा है, सोर्स खड़ा है, सारे फॉर्मूला हमें पता है. एक केस मैंने आपको नहीं करवाया और यही केस है, मैंने आपको इवन वॉल का केस भी करवाया, अगर कार हॉर्न बजाती हुई आ रही है, दीवार से साउंड टकरा के वापस आए, लास्ट टाइम क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि क्या फॉर्मूला लगेगा. अब टेस्ट की तैयारी करोगे तो पता लग ही जाएगा अभी आपको नेक्स्ट टाइम. तो बहुत सारे केस किए थे, उनमें ये भी केस था, ये केस मैंने नहीं करवाया, पहले इसका फॉर्मूला करवा देता हूं, ये आखिरी केस है, बाकी सारे केस हो गए. तो केस ये है कि मान लेते हैं कि ये सोर्स है, ये साउंड जनरेट करेगा फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, कार सामने से आ रही है, कार की वेलोसिटी मान लो कितनी है, वी वन है. अब मुझे एक चीज बताओ कि कार मान लो ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो तो सोर्स है, दूसरा ऑब्जर्वर होगा, मान लो ये ऑब्जर्वर है और दो फेज में करेंगे ये काम, पहले कार से वेव टकराएगी, फिर टकरा के वापस जाएगी. तो होगा क्या, जब सोर्स यहां पर है और साउंड यहां तक आ रही है, तो साउंड जब कार पे टकराएगी तो उस टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, एफ वन. वो क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वर भागता हुआ जा रहा है सोर्स की तरफ, और जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, वी प्लस सोर्स की ऑब्जर्वर की स्पीड वी नॉट की जगह वी वन बाई वी इंटू एफ नॉट. तो ऑब्जर्वर जब चलेगा तो फॉर्मूला लगा दिया, सोर्स तो रेस्ट पे है. अब यानी कि साउंड चली थी एफ नॉट के साथ, लेकिन यहां रिसीव हो रही है एफ वन के साथ. अब कार से टकराएगी साउंड, वापस वहीं वापस जाएगी. अब उल्टा करते हैं, अब साउंड चलेगी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ वापस एफ वन, यानी कि अब ये कार क्या एक्ट कर रही है, लाइक अ न्यू सोर्स, और सुनने वाला मान लो यहां पर बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है. अब उल्टा वापस कैच करें साउंड क्या फ्रीक्वेंसी से आएगी, तो एफ वन से चली, अगर सोर्स चलता है, सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो फॉर्मूला क्या लगता है, वी अपॉन वी माइनस वी एस, इसमें वी एस किसके इक्वल है, वी वन इंटू फ्रीक्वेंसी एफ वन की जगह क्या सुनाई देगी, एफ टू. तो चली एफ नॉट के साथ थी, एफ नॉट एफ वन बन गई, एफ वन वापस F2 बन गई. तो F1 की वैल्यू आपने वहां से उठा के यहां पुट करनी है, V से V कैंसल, ये फॉर्मूला. तो आज के बाद अगर आपको मान लो ये केस मतलब बनाना नहीं है वहां बैठ के, आप ना इस फॉर्मूले को ही रिमेंबर कर लो, फॉर्मूला टू बी यूज्ड, कि आज के बाद अगर सोर्स खड़ा हुआ है और चलती हुई कार सामने से आ रही है, कार से टकरा के अगर साउंड वापस आती है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक, सीधा फॉर्मूला बना लिया हमने, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक. अब इसको लगाते हैं, तो फॉर्मूला है, अगर कार मान लो V1 के साथ आती है और सोर्स से टकरा के साउंड वापस आ रही है, तो ये फॉर्मूला, कार की स्पीड कितनी है, पहली कार की V1, केस नंबर वन, फ्रीक्वेंसी F1, दूसरे कार की स्पीड कितनी है, V2, फ्रीक्वेंसी F2. वो क्या कह रहा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1.2% ऑफ F0. F1 पुट किया, F2 पुट किया, 1.2 by 100 into F naught, तो F naught से F naught दोनों तरफ से क्या हो गया, cancel. इसको cancel करने के बाद LCM लिया, इसको यहां LCM ले लिया पूरे का पूरा. LCM लेने के बाद numerator को open कर दिया पूरी तरीके से, और open करके V square से V square, V1 V2 क्या हो गया, cancel. Denominator को open नहीं किया, denominator में ये concept use किया कि जो car की speed है वो sound की speed से होती है बहुत ज्यादा कम, तो V1 is less than V,
तो v माइनस वी वन को, वी वन को निगलेक्ट करते हुए v माइनस, यहां लिखो v माइनस वी वन, करेक्शन करो, ये मिट गया यहां से, v माइनस वी वन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वी वन जो है वो छोटा है v से, कैन बी निगलेक्टेड, तो v माइनस वी वन की जगह v, v माइनस वी टू की जगह b, v, तो v और v मल्टीप्लाई हो गया v का स्क्वायर, तो जब कैंसिल करेंगे यहां से v कॉमन आ गया, कैंसिल करके सीधा आंसर रिलेटिव वेलोसिटी की आ जाएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, v1 माइनस v2। आपका एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन अब बनता है पूछना कि जब आपने नीचे तो निगलेक्ट कर दिया, v1 माइनस v, v में से v1 गया तो v ऊपर कर देते, फिर अगर सारा ही कर दोगे तो फिर बचेगा क्या, ऑब्वियसली फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो v बच गया सिर्फ, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी, तो अप्रोक्सीमेशन यूज करके आपने इस स्टेप को यूज किया, थोड़ा सा ट्रिकी है, मेडिकल में नहीं आएगा, मेडिकल में रिलैक्स रहे, नॉन मेडिकल में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आती है, अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, तो आपको नॉन मेडिकल वालों को ये स्टेप पता होना चाहिए, मेडिकल वालों में नहीं आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, मेडिकल वालों तो बेचारे सीधा सीधा स्टेट में क्वेश्चन देते हैं, सिंपल क्वेश्चन, तो मतलब फॉर्मूला बेस्ड बहुत सिंपल, डॉपलर में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं आपको, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखें, एक मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बाइक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड एक्सलरेट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एट 2 m/s², तो मोटरसाइकिल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सलरेट कर रहा है 2 m/s². एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटरसाइकिल देयर इज अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक सायरन, तो मोटरसाइकिल वाला यहां खड़ा है, सायरन भी मेरे, मैं मोटरसाइकिल वाला हूं और ये रहा सायरन, तो ठीक है मैं रेस से स्टार्ट हो रहा हूं और मैं भागना स्टार्ट करता हूं, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। क्वेश्चन है कि बताओ मैं मोटरसाइकिल वाला कितनी दूर जा चुका हूं, डिस्टेंस बताओ, जब मेरे को फ्रीक्वेंसी 94% ऑफ ओरिजिनल सुनाई थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी क्योंकि मैं तो एक्सेलरेट कर रहा हूं ना, तो मेरी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट नहीं सुनाई देगी मुझे, तो मैं एक्सेलरेट करता हुआ दूर जा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी कम 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 होती जाएगी, और किसी इंस्टेंट पर कितनी रह गई, 94%, तो आपको बताना है मैं कितनी दूर आ चुका हूं। ये तो समझ में आता है कि इसमें ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स से, फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल, ये तो समझ में आता है, मैं कहां पर हूं जहां फ्रीक्वेंसी 94% है न्यू के साथ, पुट कर दिया, पुट करके न्यू से न्यू कैंसिल, तो मैंने अपनी स्पीड निकाल ली ऑब्जर्वर की कितनी है, मोटरसाइकिल वाली की स्पीड कितनी है 19.8, कब, जब उसकी फ्रीक्वेंसी 94% रह गई, तो उसने उस इंस्टेंट पर स्पीड निकाल ली अपनी, वो स्टार्ट कहां से हुआ था, रेस्ट से, काइनेमेटिक्स लगा लो, v² - u² 2as, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, अब उसकी स्पीड 19.8 है और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में कितनी गिवन है 2, डिस्टेंस आ गया 98, यानी कि वो कितनी दूर जा चुका है, 98 m जा चुका है। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट, नोट का मतलब फ्रीक्वेंसी ही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट एमिटेड बाय अ सोर्स चेंजेस बाय 10%, तो फ्रीक्वेंसी 10% चेंज हो जाती है एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर को से जब दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी 10% चेंज होती है, अवे 10% चेंज का मतलब 10% डाउन होती होगी, अगर सोर्स दूर जाएगा तो 10% कम हो जाएगी, एज इट मूव मूव टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई। एक काम करते हैं, जब सोर्स अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, फॉर्मूला क्लियर है, दूर जाने में वी प्लस वी एस है और फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है, 10% चेंज है, तो अब है कितनी, 90%, कि दूर जाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है और 10% चेंज होता है तो 90% रह गई, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 0.90% ऑफ एफ, एफ से एफ कैंसिल, तो सोर्स की स्पीड आ गई v/9। तो पहला केस इसलिए गिवन है ताकि आप सोर्स की स्पीड निकाल लें, दूसरे केस में सोर्स कहां जा रहा है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो v माइनस वी एस, वी एस हमने ए पार्ट से निकाल लिया v/9, वी एस की जगह v/9 पुट करके आपने आंसर निकाल लिया f". तो आप अब क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज करेंगे तो f" - f/f(100) आपके पास आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे फर्स्ट केस क्यों गिवन है, ताकि आप सोर्स की स्पीड निकाल सके।
क्लियर यहां तक? नेक्स्ट है अ यूनिफॉर्म रोप हैविंग अ मास एम हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. तो एक क्वेश्चन है जिसमें एक ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये सपोर्ट है, आपने एक वेव पल्स जनरेट किया ट्रांसवर्स क्रेस्ट या ट्रफ, वो पल्स ऊपर 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 जाता जा रहा है किसी, और इसका मास स्ट्रिंग का एम है, किसी इंस्टेंट पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से एच, आपको बताना है कि यहां पर उसकी वेलोसिटी वी क्या होगी. अब मुझे ये समझ में आता है कि ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा क्या, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, ये फॉर्मूला याद है ना, खींची हुई स्ट्रिंग में टी बाय म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ. अब प्रॉब्लम लॉज ऑफ मोशन की ये है, हमने किया था ये लॉज ऑफ मोशन में कि ये अगर इसका मास कंसिडर करे इस रस्सी का तो टेंशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी इस पूरी रस्सी में, टेंशन सबसे ज्यादा यहां पर होगी, इसका वेट फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम. तो अगर मैं कहूं यहां पर टेंशन कितनी है तो आप बोलेंगे इतना वेट, इस रस्सी का नीचे का वेट इसकी टेंशन है. तो इसका वेट क्या होगा, इसकी लेंथ क्या है h, तो पहले इसका मास निकालना पड़ेगा. अगर टोटल लेंथ l है तो मास m है, 1 है तो m by l है, और अगर h है तो m by l into h है. तो ये इतने पोजीशन का मास है. तो टेंशन की जगह क्या पुट करेंगे, मास m by l into h into g, वेट टेंशन हो जाएगी. इस टेंशन को यहां पुट कर दें और m by l म्यू होता है, म्यू और म्यू कैंसिल, ये आंसर आ गया. ये फॉर्मूला ना डायरेक्ट याद कर लें क्योंकि ये बहुत बार यूज होने वाला है कि अगर एक रस्सी है उसमें ट्रांसवर्स वेव पल्स हमने भेजी तो h डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलें. तो आपने कुछ नहीं करना, h डिस्टेंस पे वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी एच. इस क्वेश्चन में तो ग्राफ पूछ लिया, वी का और एच का ग्राफ प्लॉट करो, स्क्वायर करो, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एच, ग्राफ पैराबोला बनेगा. पैराबोला कभी कभी ऊपर बनता है कभी ऐसे बनता है, मेडिकल वालों के लिए मैंने लिखा हुआ है कि कैसे आपने समझना है इसे. तो पैराबोला ऊपर तब बनता है जब y एक्सिस और x एक्सिस में x का स्क्वायर है और ये y है और p कोई भी नंबर है, ये ग्रेटर देन जीरो है यानी कि ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर ग्राफ बनेगा. लेकिन अगर यहां पर माइनस साइन हो यानी कि p अगर नेगेटिव हो लेस देन जीरो तो ये ग्राफ नीचे बन जाएगा. तो इसके अंदर y और x में ग्राफ ऐसे तब बनेगा जब p पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो फिर उल्टा बनेगा. तो आपके लिए आइडिया लगाना जो है आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा ग्राफ है. जैसे इस केस में ये v स्क्वायर है और ये h है और सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे को तभी ऐसे बना. नॉन मेडिकल वालों को पता है कि कैसे करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार मेंस का क्वेश्चन आया है शीट में से, ये वाला सेम ऐसा अप्रोक्सीमेशंस का मेंस. मेडिकल में तो शायद मुश्किल है कि बाइनोमियल तक आपको शायद नहीं लगेगी, पर मेंस में तो डाल दिया इन्होंने. एन ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप ओपन है, ओपन एट बोथ एंड है, जिसकी लेंथ क्या है एल है, इज साउंडेड टूगेदर विद अनदर ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल प्लस एक्स. तो एक पाइप की लेंथ L है, एक की L प्लस X है. इन देयर फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन लगेगा. स्पीड ऑफ साउंड पता है, बीट फ्रीक्वेंसी बताओ. यार बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इज बीट फ्रीक्वेंसी. जब भी ब्रैकेट में ऐसा गिवन हो X वेरी मच लेस देन L तो तैयार हो जाओ, बाइनोमियल लगने वाली है ऐसे केस में. नॉन मेडिकल वालों को पता होता है कि ऐसे लगने वाली है, नहीं तो मेडिकल वालों में से मुश्किल चांस है, फिर भी देख लो. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले एक पाइप का ओपन एट बोथ एंड में v by 2l, दूसरे केस में l की जगह l plus x, दोनों को माइनस करेंगे, v by 2l कॉमन, ये 1 हो गया, इसमें v और 2 तो आ गया, l नहीं था तो l को ऊपर लिख लिया. इसका ये फायदा होगा l से मल्टीप्लाई डिवाइड करो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को तो ये 1 हो गया और ये 1 plus x by l हो गया, 1 plus x by l ऊपर जाएगा raise to power minus 1 हो जाएगा. अब बाइनोमियल का टाइम आ गया क्योंकि x बहुत छोटा है l से तो बाइनोमियल एप्लीकेबल है, तो ये माइनस वन इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओपन करेंगे, ये ऑप्शन आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव में मिलेगा. बट इन एनी केस ये नॉन मेडिकल वालों के लिए इसलिए आप समझ में आता है क्योंकि वो मैथ्स पढ़ते हैं,
मेडिकल में थोड़ा मुझे चांस कम है, आपको सिंपल डॉपलर आता है जो एनसीईआरटी बेस्ड हमने किया था उसकी प्रैक्टिस करो, वैसा आता है। देख लिया तो नुकसान नहीं है पर मुश्किल है इसका आना। जैसे फिर एक सेम क्वेश्चन है, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ क्रॉसेस द ऑब्जर्वर विद अ स्पीड ऑफ वी एस व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ। मतलब वो कह रहा है एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है, सोर्स इसको क्रॉस कर जाता है, आपको डेल्टा एफ बताना है। जब सोर्स इसके पास आएगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, जब दूर जाएगा फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो जब सोर्स पास आता है तो ये फॉर्मूला, जब सोर्स दूर जाता है तो ये फॉर्मूला, एफ कॉमन आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑप्शन आपको ये मिलेगा, आप सिंपल एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे आंसर नहीं आएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, बहुत छोटा आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ उसने पहले इसको ठीक किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को वी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये वन हो गया, ये वन हो गया और ये वी एस बाई वी ऐसी इसमें कर लिया। इस टर्म को ऊपर लेके गया माइनस वन, इस टर्म को भी ऊपर लेके गया माइनस वन, माइनस माइनस बाइनोमियल लगाई, बाइनोमियल से माइनस वन और माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन, ओपन किया, ऑब्जेक्टिव आंसर आया। अब ये कब लगेगी कब नहीं लगेगी ये तो यार प्रैक्टिस के बाद ऑप्शन देके पता लगेगा कि उसने लगाई या नहीं लगाई। क्लियर है यहां तक? तो ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन मतलब सेकेंड टाइम कॉम्पिटिशन में आया लेकिन अभी अभी हमने किया, वो याद रखना। अगर ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है और एक वेव पल्स ऊपर जाती है तो एच डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, अंडर रूट ऑफ जी एच, और अगर मैं एच की जगह ये डिस्टेंस एक्स बोल दूं तो अंडर रूट ऑफ जी एक्स। वो ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल वायर्स हैं, दो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं, तो डेंसिटीज दोनों की डिफरेंट है, लेंथ सेम है, वायर में आइडेंटिकल वेव को प्रोड्यूस किया, दो वायर में पल्सेस जा रही है, कौन सबसे ऊपर पहले पहुंचेगा ये प्रूफ हमने नहीं करना। हमने सीधा फॉर्मूला याद किया हुआ है, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स जी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी कम ज्यादा होने से वेलोसिटी में कम ज्यादा नहीं होगा, तो जब वेलोसिटी सेम है तो टाइम टेकन टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट इज सेम, आंसर सेम आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटीज आंसर है। और इस क्वेश्चन के अंदर इसके बाद टेस्ट है, मेमोरी कार्ड से ले लेना चाहिए, लेट हो जाएंगे फिर, टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा।